पहले मैंने ट्राई की शिल्पा शेट्टी की डाइट और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि हम सब शिल्पा शेट्टी की हेल्दी हैबिट्स और लाइफस्टाइल से कुछ सीख सके। तो जब मैं शिल्पा शेट्टी की डाइट फॉलो कर रही थी तो जो सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी जिसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, जीरो नॉलेज थी, वो ये है कि शिल्पा शेट्टी अपने दिन की शुरुआत करती है नोनी जूस के साथ। अब क्या है ये नोनी जूस, कहाँ से मिलता है, क्या बेनिफिट्स है इसके, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो फिर मैंने थोड़ी बैकग्राउंड स्टडी की, बैकग्राउंड रिसर्च की नोनी जूस के बारे में और शिल्पा शेट्टी की डाइट फॉलो करने के लिए मैंने नोनी जूस ऑर्डर भी किया। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में नोनी जूस के बारे में वो सारी बातें शेयर करूंगी कि क्या है नोनी जूस, कहाँ से मिलता है, क्या क्या फायदे हैं उसके, बाकी सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोनी जूस से कि क्या है ये नोनी। नोनी एक फल है जो कि इंडिया में और एशियन कंट्रीज में बहुत 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 सालों से यूज होता आ रहा है। हम सब ने संजीवनी के बारे में तो सुना ही है, संजीवनी बूटी के बारे में, जिस प्रकार संजीवनी बूटी के अनगिनत हेल्थ बेनिफिट्स हैं, अनगिनत बीमारियों में से यूज किया जाता है, किसे संजीवनी के साथ कंपेयर किया जाता है, इनफैक्ट इसे एक मिरेकल फ्रूट भी कहा जाता है। तो चलिए आज मैं आपसे नोनी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करती हूँ कि क्या क्या इसके अनगिनत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन, कैंसर ट्यूमर प्रिवेंशन। नोनी में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण वो कैंसर को बढ़ने से रोकता है और यहाँ तक कि जो कैंसर के जो ट्यूमर है उसके साइज को भी डिक्रीज करता है। नंबर टू, नोनी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, नोनी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और आपके बीपी को कंट्रोल करता है। नंबर थ्री, वेट लॉस। आजकल हम लोग इतना जंक फूड खाते हैं, इतना हम लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं कि यंगस्टर्स में भी ओबिसिटी की आजकल इशू देखी जाती है। तो नोनी जूस अगर आप कंज्यूम करते हैं तो नोनी जूस ऑर्गेनिकली आपके वेट लॉस को प्रमोट करता है, जो कि आपके बॉडी पे ट्रोल भी ना आए, बॉडी को इफेक्ट भी ना पड़े और ऑर्गेनिकली आप वेट लॉस करते हैं नोनी जूस का अगर आप यूज करते हैं तो। चौथा, नोनी जूस में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि अगर आपको कहीं दर्द है, कहीं सूजन है, कहीं स्वेलिंग हुई पड़ी है तो नोनी जूस उन सूजन को भी ठीक करता है, दर्द को ठीक करता है। तो नोनी जूस में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने के कारण। नंबर फिफ्थ, नोनी जूस ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, यानी कि जो पीपल डायबिटिक है वो अगर नोनी जूस का यूज करते हैं तो उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि नोनी जूस डायबिटिक पेशेंट्स में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिविटी अपना शो करता है। अगर जो लोग कॉन्स्टिपेशन के मरीज है या जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है अगर वो भी नोनी जूस यूज करते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन में काफी रिलीफ होता है। नेक्स्ट, हार्मोनल इम्बैलेंस। फीमेल्स में, लेडीज में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हार्मोनल इम्बैलेंस से आपको फेस में एक्ने की प्रॉब्लम होती है, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल आपका इररेगुलर होता है, आपका फेशियल हेयर्स होते हैं, ये सारे प्रॉब्लम आपके हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। तो नोनी जूस आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को भी कंट्रोल करता है और आपकी जो एक्ने हो गए या आपके जो फेशियल हेयर ग्रोथ हो गए, आपका जो इररेगुलर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होगा, ये सबको काफ़ी रेगुलर करता है। नेक्स्ट, जो लोगों को हेडेक या माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो लोग भी अगर नोनी जूस यूज़ करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है माइग्रेन और हेडेक जैसे इश्यूज। नोनी जूस एक इम्यून बूस्टर की तरह यूज़ किया जाता है, मतलब ये आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है कि आपको जल्दी कोई बीमारी नहीं होती, जल्दी कोई बैक्टीरिया या वायरस का अटैक नहीं होता, इम्यून सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनफ करता है ताकि आप कोई भी बैक्टीरिया वायरस से, कोई भी इन्फेक्शन से फाइट कर सके। तो ऐसे ऐसे इम्यून बूस्टर की तरह भी यूज़ करते हैं लोग। साथ ही नोनी जूस आपका हेयर लॉस प्रिवेंशन में भी काम आता है, जैसे कि हार्मोनल इरेगुलरिटी की वजह से हेयर लॉस होना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। तो मेल फीमेल सब में ही हेयर लॉस इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो नोनी जूस में इतने विटामिन्स और मल्टी विटामिन्स प्रेजेंट है कि वो आपके हेयर लॉस प्रिवेंशन करता है। साथ ही वो आपके ग्रेइंग ऑफ हेयर को भी रोकता है, यानी कि जो बाल जल्दी पकने लगते हैं, बहुतों में ये प्रॉब्लम होती है कि उनके बाल उम्र से पहले पकने लगते हैं, तो उनमें भी जो आपके जो ग्रेइंग प्रोसेस है, हेयर जो ग्रेइंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करता है और बाल का अच्छा ग्रोथ रखता है। इस बात करते हैं नोनी जूस में एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के हैं, मतलब इतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट, मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स हैं इसमें कि नोनी जूस को एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में, एंटी एजिंग के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, यानी कि अगर आपको रिंकल्स आ रहे हैं ये तो आप नोनी जूस को यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ही ब्यूटिफुल, यंगर और ग्लोइंग दिखती है। नेक्स्ट बात करते हैं नोनी जूस के लीवर में फायदे। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे गए हैं जिनके कि लीवर में इश्यूज है, जैसे लीवर में स्वेलिंग आ जाती है या हिपैटिक कुछ इश्यूज है, तो नोनी जूस आपके लीवर को भी काफ़ी स्ट्रांग करता है और इनफैक्ट अगर लीवर डैमेज भी है तो उसको रिपेयर करने में भी काफ़ी हेल्प करता है।
ये तो कुछ फायदे हैं नोनी जूस के, बहुत सारे फायदे, मतलब कुछ फायदे ही मैंने बताए हैं, मतलब बहुत सारे इसके फायदे हैं। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि नोनी जूस को कैसे यूज करना है। तो नोनी जूस जब आप खरीदोगे भी तो उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए आते हैं कि कैसे यूज करना है। तो नोनी जूस को स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में यूज करना है, यानी कि आपको 5 ml, फिर 10 ml, फिर 15 से ऐसे करके बढ़ाना है, 25-30 ml तक आप यूज कर सकते हो। तो जैसे कि आप पहले आपको एक सप्ताह 5 ml करना है, फिर 10 ml, फिर ऐसे करके इंक्रीज करना है। मैं अभी 25-30 ml ले रही हूँ क्योंकि मैंने काफी टाइम से मैं यूज कर रही हूँ और अब मेरा बॉडी इतना कंफर्ट जोन पे आ गया है कि 25-30 ml तक मैं यूज कर सकती हूँ। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपको अपना डोज बढ़ाना है ताकि आप कंफर्ट जोन पे आ जाए कोई भी चीज यूज करने से पहले। दूसरी बात मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि कोई भी चीज यूज करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर जरूर कंसल्ट कर ले, स्पेशली तब जब आपको कोई ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज हो या कोई आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो, तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें फिर ही कोई चीज आप यूज करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप नोनी जूस ले रहे हैं तो साथ ही आप जितना ज्यादा हो सके आप पानी कंज्यूम, वाटर इनटेक करने की कोशिश करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें जो भी मल्टी विटामिन है, मल्टी न्यूट्रिएंट है, वो अच्छे से आपके बॉडी में सर्कुलेट हो सके। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, वाटर कंज्यूम कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप ये वीडियो देखकर कन्विंस हो गए हैं और अगर ट्राई करना चाहते हैं नोनी जूस, तो एटलीस्ट 90-100 days, यानी कि 90 से 100 दिन तक इसे रोज यूज करें, डेली कंज्यूम करें ताकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स दिख सके। क्योंकि उससे कम दिनों में शायद आपको वो इफेक्ट ना दिखे, वो बेनिफिट्स ना दिख पाए। और अगर कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो कम से कम 90 से 100 दिन तो यूज़ करना ही चाहिए उसके हेल्थ बेनिफिट्स देखने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो इसे तो 90 से 100 दिन तक इसे ज़रूर यूज़ करें। मतलब सोच लीजिए कि 90-100 दिन तक यूज़ करना है, उसके बाद ही आप डिसाइड करो कि आपको आगे फर्दर कंटिन्यू करना है नहीं करना है, लेकिन 90 से 100 दिन तक इसे देना है ताकि इसके आपको बेनिफिट्स दिख सके। और अब मैं बात कर रही हूँ कि मैं कौन सा नोनी जूस यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे नोनी जूस अवेलेबल है, बट मैं यूज़ कर रही हूँ ये ट्रूड्रीमॉल का नोनी जूस। ये मैंने ट्रूड्रीमॉल के साइट से खरीदा था, बट ये अभी फ्लिपकार्ट और स्नैपडील पे भी अवेलेबल है। ये थोड़ा कॉस्टली है, ये 400 ml की बॉटल है जो कि आपको 1050 rupees की है, जो कि आपको स्नैपडील या फ्लिपकार्ट थोड़े कम दाम पे मिल जाएगा। ये मैं ट्रूड्रीमॉल का नोनी जूस इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि पहला तो इस पर नो एडेड शुगर है और दूसरा ये कोल्ड प्रोसेस जूस है, यानी कि इसका जूस निकालने में कोई भी हीट या कोई भी वैसे टेक्निक की यूज़ नहीं की गई है जिससे कि इसके न्यूट्रिएंट या इसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो ख़राब हो सके। ये बिल्कुल प्योर और बिल्कुल नेचुरल तरीके से निकाला गया जूस है, तो मैं इसीलिए इसे यूज़ करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और इससे आपको कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन मिली हो या हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में पता चला हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप चाहें तो ये नोनी जूस आप ऑर्डर कर सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से। थैंक यू।